सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक अच्छी सी स्माइल करो और बताओ कि सब ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ परवाह नहीं होता कि आप कितनी तकलीफ में हो। जंग हो या जीवन, दोनों में कभी ना हार मानने वाला ही सूरवीर कहलाता है। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। दूसरों की सफलता पर नजर रखने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान देकर उसे बेहतर बनाया जाए। आज का पंचांग 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 4:58 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:05 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 11:42 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है, कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगी। आपकी सादगी पूर्ण जीवन शैली घर तथा बाहर दोनों जगह व्यवस्था बनाकर रखेगी। युवाओं के अपने प्रोजेक्ट को लेकर किए गए प्रयास मन मुताबिक तरीके से संपन्न हो पाएंगे। कोशिश का अच्छा नतीजा मिलेगा, लेकिन काम का क्रेडिट नहीं मिल पाने से उदास हो सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। परिवार के किसी इंसान के साथ हुए विवाद से आपका गुस्सा बढ़ेगा। अपनी मर्जी से फैसले ना लें, लोगों से मिले सुझाव पर काम करें। करियर संबंधित बड़े फैसले लेने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लें। पार्टनर से ज्यादा तवज्जो किसी और को देंगे तो नाराजगी का सामना होगा। शारीरिक कमजोरी ना बढ़ने दें, ध्यान रखें। आशा आत्मविश्वास बनाए रखेंगे। आप अपने बिजनेस में पूरा ध्यान रखेंगे, लाभ मिलेगा। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखें। किसी काम में आपका अनुभव फायदेमंद साबित होगा। युवाओं को नए रोजगार मिल सकता है। सावधानियां, आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे, इस वजह से आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे भी रह सकते हैं। किसी भी गलत सलाह और संगत का नकारात्मक असर आपके मान सम्मान और व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। घर के रखरखाव संबंधित गतिविधियां चल रही है तो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करना मुश्किल में डाल देगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों से दूर रहें। आज इस बात की काफी संभावना है कि आपसे संपर्क नहीं हो पाएंगे। आज के दिन नए या पुराने संबंधों के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। संबंधों की बजाय आप खुद का विश्लेषण करने में ही व्यस्त रहेंगे, जिसे लोग यह समझ सकते हैं कि आप नहीं चाहते कोई भी आपको डिस्टर्ब करे। फिर भी आप किसी पुराने दोस्त से फोन पर बातें कर सकते हैं या आपका पहले का कोई करीबी आपसे मिलने आ सकता है। बात करते हैं करियर की। आपकी भावना अदम्य है, इसलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इसे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और पुरस्कार अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खर्चे और निवेश को कम करें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित करने में दिक्कतें रहेगी। इस समय मौजूदा कामों पर ही ऊर्जा लगाएं। किसी की मदद से कानूनी अड़चने दूर होगी तथा आपको किसी खास परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। इन्फेक्शन जैसी समस्या बढ़ सकती है। बारिश में भीगने से परहेज करें। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रख के आप व्यस्त रह सकते हैं। अच्छा, आपकी सेहत काफी हद तक अच्छी रहेगी और वे तकलीफें जो आप पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे
आज खत्म हो जाएगी। उन तकलीफों के लिए भी सावधानी बरतना आवश्यक है जो आपको आज हो सकती है। अगर आप इसके प्रति लापरवाह रहेंगे तो ये गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। समय पर इनके समाधान के उपाय कर लेने से आप आसानी से इनसे बच सकते हैं। आज का उपाय, गरीबों को आजान पूर्ण करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।